उर्दू ज़बानो अदब की बैठक रूह है उर्दू। आज मौजू एक गुफ्तगू है मीर तकी मीर की शामले निसाब पहली गज़ल। मीर कहते हैं, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है। मीर ने इस शेर में इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी की बात की। मीर कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की हकीकत एक पानी के बुलबुले जैसी है और दुनिया में ये सब कुछ ज़ाहरी शानो शौकत जो दिखाई देती है, इसकी हैसियत एक दिखावे के सिवा कुछ और नहीं। मीर तकी मीर उर्दू अदब के ऐसे शायर हैं कि जिनकी अजमत को हर ज़माने में तस्लीम किया गया। गालिब जैसे शायर ने भी उनको खराजे अकीदत पेश किया और असरे हाजर के शायर भी मीर की अजमत का एतराफ़ करते हैं। जैसा कि जदीद दौर के शायर ने कहा, शाम ढले ये सोच के बैठे हम तेरी तस्वीर के पास, सारी गज़लें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास। वजाहत तलब शेर के मिसरा अव्वल में मीर तकी मीर कहते हैं कि इस दुनिया की हकीकत ये है कि ये दुनिया फ़ानी है और आरजी है। यहाँ इंसान की हैसियत महज एक पानी के बुलबुले की तरह है, जिस तरह सताए आब पर पानी का बुलबुला लम्हा भर के लिए मुतशक्कल होता है, वजूद में आता है और फिर फौरन ख़त्म हो जाता है, फना के घाट उतर जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब इंसान की मुतय्यन सांसें पूरी हो जाती हैं, जब इंसानी ज़िंदगी की घड़ियां पूरी हो जाती हैं, तो फिर मौत का बुलावा आ जाता है और इंसान पैगामे मौत पे लब्बैक कहते हुए इस दुनिया की रंगीनियों को छोड़ के आखरत का मुसाफिर बन जाता है। वजाहत तलब शेर के मिसरा सानी में मीर तकी मीर ने दुनिया की नमूदो नुमाइश को महज एक दिखावा करार दिया। शराब एक ऐसा धोखा होता है जो सहरा में चलने वालों को अक्सर दरपेश आता है। सहरा में मुसाफिरों को रेत के ज़र्रों पे पानी का गुमान होता है और इस बात का एहसास होता है कि शायद दूर कहीं हरियाली और दरख्त मौजूद हैं, लेकिन जब मुसाफिर उस जगह पर पहुंचते हैं तो सिवाय शराब के और कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही मामला इंसानी ज़िंदगी का है। इंसानी ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी में ये दुनियावी शानो शौकत बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए होते हैं। ये दुनियावी शानो शौकत आरजी और लम्हाती है। फिल हकीकत मीर तकी मीर ने दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का मज़मून इस शेर में पेश किया है। जैसा कि किसी और शायर ने कहा, साथ जाएगा तेरे एक नूर नेक आमाल का, साथ जाएगा तेरे एक नूर नेक आमाल का, जमा जो कुछ भी किया तूने यहीं रह जाएगा। दूसरे शेर में कहते हैं, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर के शेर का मफहूम है कि महबूब के होंठों की नज़ाकत के बारे में क्या कहा जाए, बस ये समझें कि एक गुलाब की पत्ती है। जिस तरह गुलाब की पत्ती में नज़ाकत का एहसास होता है, इसी तरह नज़ाकत मजाजी महबूब के होंठों की है। इस शेर में फिल हकीकत मीर तकी मीर ने अपने मजाजी महबूब के हुस्न व जमाल का तज़किरा किया और महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी की मानिंद करार दिया है। मीर ने महबूब के होंठों को नज़ाकत की वजह से गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी। चूंकि पंखड़ी में भी नज़ाकत का एहसास होता है, इसी तरह महबूब के होंठों में नज़ाकत है।
जिस तरह फूल की पंखड़ी मुलायम और नरमो नाजुक होती है, इसी तरह महबूब के होंठ भी शायर को नरमो नाजुक दिखाई देते हैं। यानी मीर तकी मीर ने अपने महबूब के हुस्नो जमाल को बढ़ा चढ़ा के इसमें पेश किया और बताया कि उनका महबूब हुस्नो जमाल का पैकर है। जैसा कि किसी और शायर ने कहा, ये आबो ताबे हुस्न ये आलम शबाब का, तुम हो के एक फूल खिला है गुलाब का। या किसी और शायर ने कहा, जब वो दांतों में दबाते हैं गुलाबी आंचल, कितने पुर कैफ नज़ारों को सजा मिलती है। शायर को अपने महबूब के होंठों में जो हुस्नो जमाल और रंगीनी नज़र आती है, वही हुस्नो जमाल और रंगीनी उसे गुलाब के हुस्न में भी दिखाई देती है। इसलिए ये शेर मीर तकी मीर का एक ज़िंदा शेर है कि जिसमें मजाजी महबूब के मुकामो मर्तबे को और हुस्नो जमाल को मुबालगा आराई से बयान किया गया। तीसरे शेर में मीर तकी मीर कहते हैं, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। इस शेर का मफहूम ये है कि दिल की आँख खोल कर आखरत की फिक्र भी करो, आखरत को भी देखो, दुनिया की हकीकत सिवाय ख्वाब के कुछ और नहीं। इस शेर में भी शायर ने इस दुनिया की नापायदारी का और फना पजीरी का तस्करा किया और साथ ये भी कहा कि ज़रा चश्मे बसीरत से आखरत के मामलात को देखो। दुनिया में देखा जाए तो इंसान एक बार आता है और इस एक बार के सफ़र में वो दुनिया में खोकर रह जाता है। इस दुनिया की रंगीनी रानाई दिलकशी रौनक चहल पहल, यहाँ की रंगीनियाँ इस कदर पुर असर हैं कि आदमी इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर रह जाता है, मसरूफ़ होकर रह जाता है। फिर ज़िंदगी इस दुनिया की रंगीनी और रहनाई की वजह से बेकार कामों में और हंगामों में ज़ाया हो जाती है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इंसान ज़िंदगी की महफ़लों से लुत्फ़ानंदोज़ होता रहे, ज़िंदगी में ऐशो निशात को मद्देनज़र रखे, तो वो मौत से गाफ़ल रहता है। जबकि मौत एक ऐसी ना टलने वाली हकीकत है कि जब पयामे अजल आ जाए तो फिर इंसान फौरन लब्बैक कहते हुए आखरत का मुसाफिर बन जाता है। दरअसल शायर ने एक दावते फिक्र दी है कि अपनी चश्मे बसीरत से आलमे आखरत को भी देखो और इस ज़िंदगी को इस तरह बसर करो कि आखरत आसान हो जाए। क्योंकि किसी शायर ने कहा, आखरत में अमले नेक ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफ़र ज़्यादे सफ़र पैदा कर। फिलहकीकत इस शेर में मीर तकी मीर ने ज़िंदगी की फना हो जाने वाली कैफियत की तरफ इशारा किया और बताया कि ज़िंदगी आर्जी और नापायदार है, इसकी हकीकत महज एक ख्वाब की तरह है। जिस तरह इंसान ख्वाब देखता है और ख्वाब के महसूसात और होते हैं, जब वो बेदार हो जाता है तो हकीकी ज़िंदगी के महसूसात कुछ और होते हैं। यूं देखा जाए तो ख्वाब एक धोखा और फरेब होता है जो इंसानी ज़ेहन की कारफरमाई से इंसान हालत नींद में देखता है। इंसानी ज़िंदगी को मीर तकी मीर ने एक ख्वाब करार दिया कि इस ज़िंदगी की हकीकत महज एक ख्वाब की तरह से है। इसलिए मीर तकी मीर एक तरह से नसीहत कर रहे हैं कि इंसान को बसीरत से काम लेना चाहिए और मरने से पहले उसे अपनी आखरत की फ़िक्र करनी चाहिए
और आखरत के सफ़र के लिए अच्छे अफ़ाल और अमाल का ज़्यादे राह अपने आप को बहम पहुँचाना चाहिए, अपने आप को फ़राहम करना चाहिए। चौथे शेर में मीर तकी मीर कहते हैं, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इज़्तिराब के मानी बेताबी, बेचैनी और बेकली। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो मीर तकी मीर कहते हैं कि बेचैनी और बेकरारी की हालत में मैं महबूब के दर के बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, यानी कि महबूब के दरवाज़े पर बार बार जा रहा हूँ। उर्दू शायरी की रवायत है कि शायर कूचाए महबूब का ज़िक्र करते हैं और महबूब की गली का भी तذکرہ करते हैं। जैसा मीर तकी मीर का अपना ही एक शेर है, वो कहते हैं कि बहुत आरजू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। इस शेर में मीर तकी मीर ने अपने दिल की मुज़्तरिब हालत का तذکرہ किया। इंसानी ज़िंदगी को देखा जाए या मुआमलाते इश्क को देखा जाए तो नज़र आता है कि महबूब से मुलाकात का जो लम्हा है वो शायर के लिए ज़िंदगी भर का असासा होता है। शायर के लिए वो दिन ईद के नज़ारे से कम नहीं होता कि जब महबूब का वसल नसीब हो जाए। जैसा कि मीर तकी मीर ने कहा, वसल उसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ। मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरी हालत मुज़्तरिब है, ना तो मुझे महबूब का विसाल नसीब है, ना ही वो मेरे जज्बात और एहसासात मोहब्बत को तस्लीम करता है। अगर मजाजी महबूब शायर के जज्बात और एहसासात को तस्लीम कर ले और उसकी मोहब्बत का इकरार कर ले तो शायद शायर के दिल को इत्मीनाने कल्ब का एहसास हो, लेकिन वो तस्कीने दिल से महरूम है, इसलिए उसी हालत में, बेताबी की हालत में वो बार बार महबूब के दरवाज़े पर जाता है। जैसा मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का शेर है कि तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। या किसी और शायर ने कहा कि तू अगर हम कलाम हो जाए, हम फ़कीरों का काम हो जाए। यानी कि शायर हमा वक्त इसी ख्याल में रहता है कि कब वो घड़ी पल और लम्हा आए कि जब वो महबूब से हम कलाम हो और अपने दिल का हाल अहवाल महबूब के रूबरू कर सके, महबूब को अपने जज्बात और एहसासात से आगाह कर सके। लेकिन ये लम्हा आता नहीं ज़िंदगी में, इसलिए शायर मुज़्तरिब हालत में बार बार कूचाए महबूब के चक्कर लगाता है, महबूब की गली का रुख करता है और बार बार उसके दरवाजे पर जाता है। पांचवें शेर में मीर साहब कहते हैं, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मफहूम के तौर पर देखा जाए तो शायर कहते हैं कि मैंने जब महबूब के दरवाजे पर सदा दी, निदा दी, आवाज़ दी तो महबूब बोला कि ये उसी तबाह हाल आशिके ज़ार की आवाज़ है जो मेरे इश्क और मेरी मोहब्बत और उल्फत में आहें भरा करता था। इस शेर में मीर तकी मीर ने मजाजी महबूब के रवैये की अकासी की है। उर्दू शायरी की रवायत है कि मजाजी महबूब जो है वो आम तौर पे ज़ालम होता है। उर्दू शायरी की रवायत है कि मजाजी महबूब आम तौर पे ज़ालम होता है और उस पर अपने उशाक के जज्बाए दिल का कोई असर नहीं होता। अज़ीज़ तलबा, ये बात भी याद रखने वाली है कि अगर मजाजी महबूब अपने मुकाम मर्तबे पे ना रहे तो फिर उसकी वो कदरो मंदलत नहीं रहती। इसलिए मजाजी महबूब के नज़दीक उशाक की कोई अहमियत नहीं होती, वो किसी के भी जज्बात और एहसासात को तस्लीम नहीं करता, हुस्नो जमाल में मगन रहता है, यानी अपने हुस्नो जमाल में मगन रहता है
और अपने हुस्न पर उसे फ़ख्र और नाज का एहसास होता है, इसी वजह से वो किसी के भी जज्बात और एहसासाते मोहब्बत को तस्लीम नहीं करता। इस शेर में भी मीर तकी मीर ने मजाजी महबूब के इसी रवैये की निशानदेही की है। महबूब का वो रवैया जिसमें बेरुखी और गफलत पाई जाती है। चूँकि शायर का दिल आरजुओं का एक जहान होता है और अपनी आरजुओं और तमन्नाओं की तकमील उसके लिए बड़ी अहमियत रखती है, और आरजुओं की तकमील किस सूरत में होती है कि जब शायर को उसका मजाजी महबूब मिल जाए। मजाजी महबूब से मिलने के लिए शायर कई तरह की काविशें करता है, और इन्हीं काविशों के नतीजे में जब वो महबूब की गली तक पहुंच जाता है, कूचा महबूब तक पहुंच जाता है, उसके दरवाज़े तक पहुंच जाता है ताकि महबूब से मुलाकात हो सके, इस मकसद के लिए जब वो महबूब के दरवाज़े पर सदा लगाता है तो महबूब उसकी आवाज़ को पहचानते हुए कहता है कि ये तो उसी खाना ख़राब की आवाज़ है, ये तो उसी तबाह हाल की आवाज़ है कि जो मेरी उल्फत का तलबगार था, जो मेरी मोहब्बत को पा लेना चाहता था, अभी तक ये उसी हाल में है, अभी तक ये उसी वज़ा कता में है। दरअसल महबूब उसको आवाज़ से ही पहचान लेता है कि ये आवाज़ तो उसके इश्क में मुब्तला हो जाने वाले शायर की आवाज़ है। मीर साहब कहते हैं कि महबूब की बेरुखी और लापरवाही ने उनकी ज़िंदगी को वीरान करके रख दिया, सुनसान करके रख दिया। महबूब के लिए उन्होंने अपने सादक जज्बों की कुर्बानियाँ भी दीं, पूरे खलूस के साथ महबूब की उल्फत को पा लेने की कोशिश की, राह मोहब्बत के सदमात बर्दाश्त किए, लेकिन बिलआखिर राह इश्क में नाकामी और नामुरादी ही उनका मुकद्दर बनी। शेर को देखा जाए तो मीर तकी मीर का महबूब उनकी आवाज़ सुनकर कहता है कि ये आवाज़ मेरे आशिक ख़राब हाल की है, ये आवाज़ उसी मीर तकी मीर की है कि जो शबो रोज़ मेरी उल्फत का दम भरता था, मेरे इश्क में मुब्तला था, और राह मोहब्बत में जो मेरा हम सफ़र बनने का ख्वाहिशमंद था, ये आवाज़ उसी मीर तकी मीर की आवाज़ है। आतशे गम में दिल बुना शायद देर से बू कबाब की सी है। वजाहत तलब शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि रंजो गम की शिद्दत से दिल की हालत बुने हुए कबाब की सी हो गई है। जिस तरह बुने हुए कबाब से गोश्त के जलने की बू आती है, इसी तरह दिल के जलने की वजह से बू का एहसास हो रहा है। वजाहत तलब शेर में मीर तकी मीर ने राहे इश्क में जिन सदमात से गुज़रना पड़ता है और जिस रंजो अलम का सामना करना पड़ता है, उसकी तरफ इशारा किया है। राहे इश्क नहायत कठिन और पुरख़तर है, इसमें जो मुसाफिर हैं राहे इश्क के, जो मुसाफिर हैं जहां उनके कदम लहू लुहान होते हैं क्योंकि ये राह बड़ी पुरख़ार है, उसी तरह कई एक अजियतों, मुसीबतों और परेशानियों से इस राह पर चलने वालों का वास्ता पड़ता है। जैसा कि मीर दर्द ने कहा, अजियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। या किसी और शायर ने कहा कि ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए जो दिल को जलाए, सताए, रुलाए। एक और हकीकत ये है राहे इश्क की कि जो राहे इश्क के मुसाफिर बनते हैं वो
तमाम मुश्किलात को हिम्मत और हौसले के साथ बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई राहे इश्क के आगाज़ में ही हौसले का दामन छोड़ दे तो फिर कामयाबी उसका मुकद्दर नहीं बन सकती। मीर तकी मीर कहते हैं कि राहे इश्क बड़ी पुरखार है, जहां मुसलसल महरूमियों और फुरकत और जुदाई की आग में जलना पड़ता है। मीर तकी मीर के कहने का मतलब ये है कि जब जुदाई हमारा मुकद्दर हो गई तो तब से लेके अब तक दिल जलता ही रहता है। वजाहत तलब शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरा दिल महबूब की जुदाई और गर्दिशे रोज़गार की वजह से और दुश्मनों के जुल्मों सितम की वजह से गमों अलम की आमाजगा बना हुआ है। मेरा दिल मुसलसल दुखों और गमों में जलता रहता है। यानी एक तरफ तो राह मोहब्बत के गम, फिर ज़माने भर के गम, तो इस वजह से मैं मीर की जो ज़िंदगी थी वो मुसलसल रंजो अलम का शिकार बनी रही। मीर कहते हैं कि मेरा दिल महबूब की जुदाई और ज़माने के जुल्म सितम की वजह से मुसलसल दुखों और गमों की आग में जलता और बुनता रहता है। यानी महबूब की जुदाई की वजह से शायर के दुखों और गमों में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि उनमें और ज़्यादा शिद्दत आ रही है। जिस तरह आग के अंगारों में जलन और तपश की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जाता है, इसी तरह मीर साहब को जो लाहक गमो अलम थे, मीर साहब समझते हैं कि उस गमो अलम के सिलसिले में भी बड़ी वसत आ रही है और मीर के जो गम हैं वो गम उनको दहकते हुए अंगारे महसूस होते हैं और उन अंगारों की शिद्दत और हिद्दत में मुसलसल इजाफा की वजह से शायर का दिल कबाब की तरह इन अंगारों पे जल रहा है, भुन रहा है। और अब तो दिल की कैफियत देखकर शायर को यूं एहसास होता है कि जैसे जलते हुए इसे काफ़ी देर हो गई है और वजह ये कि अब इसके बू जो है गोश्त के जलने की वो चार सू महसूस हो रही है। शायर दरअसल कहना ये चाहते हैं कि ज़िंदगी भर के गमो अलम ने और दुखों ने हमारे दिल को जलाकर कबाब कर दिया। उसके बाद मीर कहते हैं जी, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नीमबाज आधी खुली हुई आंखें, मस्ती खुमार और नशे को कहा जाता है। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो मीर साहब कहते हैं कि महबूब की आध खुली आंखों में सारा नशा शराब की मानिंद है। वजाहत तलब शेर गज़ल का मकता है क्योंकि शायर ने अपने तखल्लुस का भी इस्तेमाल किया और ये गज़ल का आखिरी शेर भी है। वजाहत तलब शेर में शायर ने महबूब के हुस्न व जमाल का ही तज़किरा किया है और महबूब का हर अंदाज़ शायर को मुतासर करता है। महबूब की आध खुली आंखें अपने अंदर इस कदर जाज़बियत, जादू और असर रखती हैं कि जैसे शराब खाना में बैठा हुआ कोई रिंद मै नोशी करता है और उस मै नोशी की वजह से उस पे मस्ती छा जाती है और सारे का सारा मै खाना देखा जाए तो वो इसी तरह के मस्तों से भरा हुआ दिखाई देता है। मीर तकी मीर ने महबूब की निगाह की असर आफरीनी को, महबूब की निगाह के असर को मुबालगे के साथ पेश किया, बड़ा चढ़ा के पेश किया। यानी कि जैसा कि उर्दू शायरी की रवायत है कि आम तौर पे उशाक ये समझते हैं कि महबूब अपनी आँखों से शराब पिलाता है, जैसा कि कहा गया
निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी ये किस्मत पे क्यों ना नाज कर। मीर ने महबूब की नीमबाज आंखों के हवाले से कहा कि क्या खूब आंखें हैं कि जिनका जादू हर वक्त हर घड़ी हर पल हर लम्हे उन्हें मशहूर किए रखता है। वैसे तो राह इश्क में महबूब की हर अदा शायर के लिए दिल फरेब होती है, रंगीनो राना होती है, और जहाँ तक निगाह की बात की जाए तो निगाह जो है वो तो उशाक पर नशा किसी कैफियत तारी कर देती है। जैसा कि मोहसिन नकवी का एक शेर है, उसी से मांग लो खैरात अपने ख्वाबों की, वो जागती हुई आंखों में नींद घोलता है।